हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ नया जानने वाले हैं। तो वो क्या जानने वाले हैं बताऊंगा आपको। तो इस लेक्चर से हम लोग 3D में इंटर करने वाले हैं। तो 3D में हम लोग की एंट्री होगी आज। होप कि आज आप लोग को ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो लोग 2D के लेक्चर्स देख कर के यहाँ पे आए हैं उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा होगा। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है आपसे कि आप अगर मेरे 2D लेक्चर को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको वॉच करिए अच्छे से, उसके बाद ही आप 3D में आकर के अपना जगह बनाइए, तो ही आपको समझ में आएगा। अदरवाइज़ जो 2D आपने नहीं सीखा वो भी आपके माइंड में नहीं होगा, 3D का कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आने वाला। तो मैं आप लोगों से जो है वो अपील करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग 3D के वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आप लोग 2D के लेक्चर को ज़रूर देखिए। लेकिन हाँ, अगर आप इस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन टू 3D है। यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ बनाने वाले नहीं हैं 3D पार्ट्स वगैरह। बस इंट्रोडक्शन क्या है 3D एंड 3D के यूजेस क्या है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो उस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज मेरे चैनल के नीचे जाइए और सब्सक्राइब का बटन होगा रेड कलर का, उसको दबा दीजिए। और ठीक राइट साइड में बेल आइकन है, उसको ही प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए क्लिक, ताकि जो भी मैं नोटिफिकेशंस यहाँ पे शेयर करूँ आपके साथ, मीन्स जो भी मैं वीडियोस डालूँ उसका नोटिफिकेशंस आप तक चला जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं इस तरह का हमारे पास इंटरफेस है जो कि 2D वाला है। अब हम लोग चल रहे हैं 2D टू 3D। सो 3D में हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं हम 2D। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका ध्यान रखना है, जो गियर आइकन बना हुआ है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, ओके। आपको यहाँ से जा करके इसका सेटिंग्स जो है वो बिल्कुल ही चेंज कर देना है। तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है 3D बेसिक्स और 3D मॉडलिंग पे। तो आप यहाँ पे 3D मॉडलिंग पे क्लिक कर दीजिए तो आपका सेटिंग्स जो है वो चेंज हो जाएगा और आपके सामने एक 3D का इंटरफेस मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे मीन्स कि 3D कमांड्स यहाँ पे अवेलेबल है जो कि 3D में यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो 3D का सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर जो कमांड है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, समझ लीजिए कि 3D का वो मेन साथी है, और वो है एक्सट्रूड कमांड। जी हाँ, यहाँ पे मॉडलिंग पैनल पे आपको यहाँ पे मिलता है एक्सट्रूड कमांड। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। आप मेरे माउस को देखिए, यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड शो हो रहा है। तो एक्सट्रूड कमांड क्या है मैं बताऊँगा आपको, ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे कस्टम मॉडल व्यूज़। कस्टम मॉडल व्यूज़ क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हम लोग व्यूज़ देख रहे हैं, ये है हमारा 2D व्यूज़, दैट इज़ योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये है हमारा 2D व्यूज़। अब हम लोग 3D व्यूज़ में देखेंगे, मीन्स 3D विजुअलाइजेशन। 3D विजुअलाइजेशन मीन्स कि 3-डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आपके सामने होगा और आपको उसका 3 व्यूज दिखेगा, दैट इज़ कॉल्ड 3-डायमेंशनल पिक्चर्स, और कुछ भी आप बोल लीजिए। तो यही है 3D, जिसमें आपको 3-डायमेंशनल शो होता है, ठीक है। लेंथ, विड्थ और हाइट आपको शो होता है, विच इज़ कॉल्ड 3D। और 2D ये हमारा बस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी लेंथ इंटू विड्थ दिखता है। लेकिन जब हम लोग 3D में ड्राइंग को बनाते हैं तो एक और एक्सिस है जो यहाँ पे हिडन है। जैसे ही हम लोग 3D में जाते हैं तो एक नया एक्सिस जो है वो मीन्स अवेलेबल हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड जी एक्सिस। जी हाँ, जी एक्सिस, जेड एक्सिस जो है हमारा वो
अप्लाई हो जाता है 3D के लिए, तब जा करके आप 3D मीन्स 3D विजुअलाइजेशन को देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगर जाएंगे तो आपको यहाँ सबसे पहले टॉप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको शो हो रहा है टॉप, ओके, दैट इज कॉल्ड वी क्यूब, ओके, इसको बोलते हैं हम लोग वी क्यूब। साउथ, एस मीन्स साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, ओके। तो ये आपको डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, कि आप अगर ड्राइंग को किस डायरेक्शन में रखना चाहते हैं और आपका ड्राइंग किस डायरेक्शन में बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ से भी इसका जो है कस्टम मॉडल व्यूज देख सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे आप टॉप व्यू में क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके सामने एक चार्ट ओपन होगा। यहाँ पे देखिए शो हो रहा है आपको बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, ओके। तो ये था टॉप टू बैक, ये था हमारा 2D के विजुअलाइजेशन, ओके। लेकिन जब यहाँ से हम लोग आते हैं साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक, तो आइसोमेट्रिक आया मीन्स 3D, आइसोमेट्रिक मीन्स 3D, ओके। तो जैसे हम लोग यहाँ पे साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे हमारा जो आ गया है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। देखिए जी एक्सिस जो हिडन था 2D में, वो 3D में अवेलेबल हो चुका है, ओके। तो आप देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे हमारा ये 3D में कन्वर्ट हो चुका है। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से फिर से टॉप चलेंगे, ऑल राइट, टॉप चलेंगे और यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ विच इज़ एट रैंडम लेंथ और साइज, ओके। तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ करने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ से जा करके साउथ वेस्ट इसको डायरेक्शन देंगे इस रेक्टेंगल को। तो ये रेक्टेंगल देखिए कैसे 3D में कन्वर्ट होगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये रेक्टेंगल देखिए 3D में कन्वर्ट हो चुका है और हम लोग को इसका दिख रहा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस किस डायरेक्शन पे दिखेगा। तो देखिए जेड एक्सिस ये डायरेक्शन में दिखेगा जब हम लोग इसको एक्सट्रूड करेंगे, मीन्स इसके हाइट को उठाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आपको शो होगा। तो आप देखिए स्क्रीन पे, कुछ इस तरह का आपको शो होगा। तो ये एक्सट्रूड कमांड का खेल है। जैसे आप यहां से एक्सट्रूड यहां से लेंगे, एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे तो एक्सट्रूड कमांड जो है वो आपका एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपको पूछा जाएगा यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड, मुझे इस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे देन प्रेस करेंगे इंटर। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको देखिए हाइट ऑफ एक्सट्रूजन जो है वो मिल रहा है। देखिए हाइट ऑफ एक्सट्रूजन, तो आप हाइट कितना भी दे सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे एट रैंडम हाइट दे देता हूँ, ठीक है। तो 3D इसको हम लोग देखिए जेड एक्सिस पे एक्सट्रूड कर दिए हैं, तो जाके ये इस तरह का शो हुआ है, ऑल राइट। तो हम लोग इसका जो है वो ये देख सकते हैं, इसका विजुअल स्टाइल मीन्स कि रियलिस्टिक में भी हम लोग देख सकते हैं। तो अभी ये 2D वायर फ्रेम मीन्स ट्रांसपेरेंट, ओके, विच इज ओनली विजिबल द लाइन, ओके। यहाँ से अगर जाएंगे यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो हमें देखिए इस तरह का शो होने वाला है लाइट के साथ कॉन्सेप्चुअल वाला। उसके बाद फिर आप यहाँ से क्लिक करेंगे हिडन पे, तो हिडन पार्ट जो है वो हट जाएगा, जो हमें नहीं दिखना चाहिए वो हट जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे रियलिस्टिक पे, तो आपको यहाँ से रियलिस्टिक व्यू देखने को मिलेगा जिसपे आप मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से जाएंगे शेडेड पे, तो यहाँ पे भी आपको रियलिस्टिक व्यू मिलेगा लेकिन यहाँ पे मटेरियल अप्लाई नहीं होगा शेडेड पे। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे शेडेड विथ एजेस, तो यहाँ पे आपको एज सबका शो होने वाला है। शेडेड ऑफ ग्रे में जाएंगे यहाँ से हम लोग, तो इस तरह का आपको शो होने वाला है, यानी कि आप जो है इसका कस्टम विजुअल स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। स्केच में देखना चाहते हैं इसको तो स्केच में ये
आपको शो होगा, उसके बाद आप देखना चाहते हैं इसको वायर फ्रेम, तो वायर फ्रेम में ये शो होगा। उसके बाद आप इसको अगर देखना चाहते हैं एक्सरे विजुअल स्टाइल में, तो ये एक्सरे में आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका विजुअल स्टाइल चेंज करके देख सकते हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, आने वाले हम लोग लेक्चर्स में धीरे धीरे कवर अप करेंगे 3D के ड्राइंग्स को, जो कि बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर बी